दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने वाले ऐसे कई कलाकार हैं जो आज लाइमलाइट की दुनिया को छोड़कर अपनी निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी हैं। पर इनके द्वारा की गई फिल्में आज भी दर्शकों के जहन में बसी हुई है, जिसके चलते ये रातों रात स्टार बन गए और इसी वजह से आज भी दर्शक इन्हें भुला नहीं पा रहे। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गुम हो जाने वाले स्टार्स के बीते सालों में बहुत ज्यादा आए बदलाव के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही मिलवाएंगे उनके बच्चों से, जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बदले हुए कलाकारों के लुक के साथ साथ उनके रियल लाइफ पार्टनर और बच्चों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बॉलीवुड के टैलेंटेड सपोर्टिव एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बीते काफी सालों में आज पूरी तरह से बदल चुके हैं। जहां ये पहले फिल्मों में पतले दुबले साधारण कपड़े पहने और डार्क स्किन टोन के साथ नजर आते थे, तो वहीं अब ये शर्ट पैंट पहनकर व्हाइट स्किन टोन बॉडी के साथ जेंटल दिखाई देते हैं, जहां अब इनकी पर्सनैलिटी एक हीरो की तरह हो गई है। वहीं आपको बता दें कि अब ये जल्द ही हीरोपंती 2 फिल्म में भी नजर आने वाले हैं। वहीं इन्होंने आलिया सिद्दीकी के साथ अपना घर संसार बसाया है, जिनसे इन्हें 2 चांद के टुकड़े हुए, जिनमें एक बेटा और एक बेटी शामिल है। फिलहाल इनके बच्चे अभी छोटे हैं और अपने स्टडी पर फोकस कर रहे हैं। नंबर 2, आयशा टाकिया। परियों से भी ज्यादा सुंदर दिखने वाली एक्ट्रेस आयशा टाकिया बीते सालों में काफी बदल गई है। जहां ये फिल्मों में लंबे लंबे खूबसूरत बाल और अट्रैक्टिव बॉडी और स्टाइलिश ड्रेस में बला की खूबसूरती दिखाई देती थी, तो वहीं आज ये थोड़ी मोटी हो चुकी है और जब से इन्होंने अपने होठों की सर्जरी कराई है, तब से इनका लुक देखने में काफी ज्यादा भयंकर लगता है। साथ ही आपको बता दें कि इन्होंने अपने करियर को पूरी तरह से विराम दे दिया, जिसके बाद इन्होंने साल 2009 में मुंबई के एक बिजनेसमैन फरहान आजमी के साथ निकाह किया, जिनसे इन्हें कुछ सालों बाद एक प्यारा सा बेटा हुआ, जिसका नाम मिकेल है, जो अभी बहुत छोटा है। नंबर 3, अर्जुन रामपाल। बॉलीवुड के सबसे सुंदर एक्टर अर्जुन रामपाल, जिनमें बीते काफी वक्त के साथ काफी चेंज आए हैं। जहां ये फिल्मों में स्लिम ट्रिम, फुल शेव, स्टाइलिश कपड़े और कुर्ता पजामा में कमाल दिखाते थे, तो वहीं आज ये फुल बियर्ड, वेस्टर्न आउटफिट और डल फेस के साथ ओके दिखाई देते हैं। वहीं इनके चेहरे पर पहले जैसा ग्लो नहीं रहा, जिस पर लड़कियां मरा करती थी। वहीं आपको बता दें इनकी निजी जिंदगी के बारे में, तो इन्होंने 2 शादियां की हैं, जिनमें इन्होंने सबसे पहले शादी पूर्व मिस इंडिया महर से की थी, जिनसे इन्हें 2 बेटियां माहिका और मायरा हुई। मगर आपसी अनबन के कारण अर्जुन ने अपनी बीवी महर से साल 2019 में तलाक ले लिया और अपनी पहली बीवी से तलाक लेने के बाद इन्होंने मॉडल और फैशन डिजाइनर ग्रेबियला से शादी की, जिनसे आज इन्हें एक छोटा प्यारा सा बच्चा भी है। वहीं बात करें कि दोनों बेटियों के प्रोफेशन के बारे में, तो इनकी बड़ी बेटी माहिका जल्दी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही है और छोटी बेटी अभी छोटी है, तो वो अपना फ्री टाइम एंजॉय कर रही है। नंबर 4, मयूरी कांगो। होगी प्यार की जीत और बादल फिल्म में अपनी अदाकारी से सभी को अपना दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री का नाम मयूरी कांगो है, जो आज काफी ज्यादा बदल गई है। जहां ये फिल्मों में सूट सलवार पहने और खुले बालों में नजर आती थी, तो वहीं असल जिंदगी में सिंपल हेयर स्टाइल के साथ वेस्टर्न ड्रेसेस कैरी करती दिखाई देती है। वहीं आपको बता दें कि इन बीते सालों में इन्होंने अपने करियर को विराम दे दिया और अभी ये वर्तमान में गूगल इंडिया के हेड बनकर अपने करियर को जारी रखे हुए है। वहीं इन्होंने एक जर्नल मैनेजर आदित्य ढिल्लो के साथ अपना घर बसा लिया, जो इनकी शादी के 7 साल बाद इन्हें एक प्यारा सा बेटा हुआ है। नंबर 5, श्राइनी आहूजा। गैंगस्टर मूवी में अपना जलवा दिखाने वाली एक्टर श्राइनी आहूजा आज काफी बदल गए हैं। जहां ये अपने फिल्मों में स्टाइलिश ड्रेस पहनकर इवेंट्स देखते थे, तो वहीं आज ये नॉर्मल कपड़ों के साथ नॉर्मल हेयर स्टाइल रखे हुए एक नॉर्मल पर्सन ही दिखाई देते हैं। वहीं इन्होंने अपने हमसफर के रूप में अनुपम आहूजा को चुना है, जिनसे इनकी एक पारी बेटी अर्शिया है, जो लाइमलाइट की दुनिया से बहुत दूर रहना पसंद करती है। वहीं इनकी बीवी एक हाउसवाइफ है, जो अपने पति और बेटी के साथ निजी जिंदगी में एक शानदार लाइफ जी रही है। दोस्तों, आपको किस कलाकार के साथ उनके पार्टनर और उनके बच्चों की जोड़ी सबसे अच्छी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।